हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर फिंगर लॉक ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन के अंदर आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेटअप करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आएगी। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने फ़ोन के अंदर फिंगर लॉक ऐड करेंगे। तो आपको अपने फ़ोन में फिंगर लॉक ऐड करने के लिए फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। फ़ोन की सेटिंग ऑन कर रही है, ऑन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिल जाता है आपको अपने फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी पैटर्न पासवर्ड आपने सेट किया था अपने फ़ोन के अंदर, सिंपली आप उसे इंटर कर देंगे यहाँ से, और इसे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप सेटअप पर क्लिक करेंगे और अपनी फिंगर आप इसमें स्कैन कर लेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर अपनी फिंगर को हम इसमें स्कैन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट को आप इस प्रकार से स्कैन करेंगे। जब तक आपका कंप्लीट ना होता है, सिंपली आपको ये प्रोसेस अपने फ़ोन के अंदर करते रहना और आपका फिंगरप्रिंट आपके यहाँ से डन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे डन कर देंगे। ओके, डन करने के बाद आपके फिंगरप्रिंट बना आ चुका है, यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ऐड फिंगरप्रिंट पे जाके आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं, सेकंड फिंगर। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप फिंगर लॉक ऐड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।